कॉलिंग की दुनिया में 15 जनवरी से होने जा रहा है एक बड़ा बदलाव। जी हाँ, ये बदलाव डालेगा आप पर सीधा असर। आखिर क्या है वो बदलाव? आखिर क्या होने जा रहा है कॉलिंग में? आखिर कैसे पड़ेगा असर आपकी कॉलिंग पर? आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, भारत में लगातार मोबाइल यूजर्स बढ़ रहे हैं और साल 2025 तक ये आंकड़ा और आगे बढ़ने की संभावना है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारत इंटरनेट यूज करने में पहले स्थान पर है, वैसे ही मोबाइल यूजर्स का ये आंकड़ा भी बढ़ने जा रहा है। जी हाँ, लेकिन इसी बीच एक बड़ा बदलाव मोबाइल कॉलिंग की दुनिया में होने जा रहा है। जी हाँ, साल 2021 की 15 जनवरी से अगर आप लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करेंगे तो पहले हर एक यूजर को 0 डायल करना अनिवार्य हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप किसी को लैंडलाइन से नंबर मिला रहे हैं तो उससे पहले आपको 0 लगाना होगा। इस मामले में कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि फिक्स टू फिक्स्ड, मोबाइल टू फिक्स्ड और मोबाइल टू मोबाइल लाइन पर कॉलिंग से पहले 0 लगाना अनिवार्य नहीं होगा और इन तीनों लाइनों पर पहले ही तरीके से कॉलिंग की जा सकेगी। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार सरकार ने एक कदम क्यों उठाया है। सरकार के मुताबिक इस कदम से करीब 253 करोड़ नंबर की एक नई सीरीज को बनाने में मदद मिलेगी। दरअसल भारत में तेजी से फोन यूजर की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ज्यादा संख्या में नए कॉलिंग नंबर की जरूरत पड़ रही है। इसी के चलते सरकार की तरफ से लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉलिंग से पहले 0 लगाने का फैसला जारी किया गया है। दूरसंचार विभाग की तरफ से इस मामले में टेलीकॉम कंपनियों को 1 जनवरी 2021 तक नई व्यवस्था लागू करने के लिए सभी जरूरी उपाय करने का निर्देश भी दे दिया गया है। आपको बता दें कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने इसी साल मई माह में फिक्स लाइन से मोबाइल नंबर पर डायलिंग करने से पहले 0 लगाने की सिफारिश की थी, जिसे सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। तो कॉलिंग की दुनिया में एक बड़ा बदलाव है और इस बदलाव से करीब 235 करोड़ नंबर्स की एक नई सीरीज बनाने में भी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।